हेलो दोस्तों, तो मैं हूं नितेश प्रधान और गेम एक्सप्लोरर 920 पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आप पिछली वीडियोस को बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं, इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए गाइस। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन कॉल पर हिट कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो यह है कॉल ऑफ ड्यूटी का एपिसोड 39। जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्दी हम 50 एपिसोड भी पूरा कर देंगे। बस आप अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। और दिख रहा है दोस्तों एक कैरेक्टर, कोशिश करेंगे मॉडर्न वॉरफेयर 4 का आई थिंक कैरेक्टर है ये, और ये कैरेक्टर लेने की कोशिश करेंगे। पर आज का है दोस्तों डुओ मैच, जैसा कि हम स्पेशली मतलब डुओ ही खेलते हैं ऑलवेज, और वो है दोस्तों हमारा बैटल रॉयल डुओ। तो आइए, और वीडियो पसंद आया दोस्तों वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, और आइए मैं आपको अपने चॉपर का स्किन दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा चॉपर का स्किन दोस्तों, ये मेरा फेवरेट है। वैसे और भी स्किन्स हैं मेरे पास जहाँ कि मैं पैसे नहीं लगाता हूँ। और ये देखो भाई चॉपर कैसे लैंड हुआ, देख रहे हो। तो आइए दोस्तों, कॉल ऑफ ड्यूटी का बैटल रॉयल शुरू हो चुका है। अपनी पेटी खोल दीजिए पैराशूट की। जी हाँ, और हमेशा की तरह दोस्तों हम इस बार भी कूदेंगे बस स्टैंड, जो कि दोस्तों मेरा फेवरेट प्लेस है, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस बस स्टैंड। यहाँ क्या है गाइस, मैं आपको बताता हूँ बस स्टैंड मेरा फेवरेट क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, डुओ के लिए आपको लूट भी बेटर मिल जाती है। और ये देखिए फिर से दोस्तों मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी पे ना भाई कभी कभी गुस्सा आ जाता है। ये कभी कभी क्या दोस्तों मेरे साथ तो हमेशा करते हैं, डुओ वर्सेस सोलो बना देते हैं, मतलब तुम भाई अकेले और सामने वाला डुओ। ये कैसा है भाई, ये मुझे समझ नहीं आता यार, पता नहीं क्या करते हैं भाई ये। कॉल ऑफ ड्यूटी मेरे साथ ही ऐसा करते हैं गाइस, आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि कॉल ऑफ ड्यूटी को मेल करें। जी हाँ, कि ऐसा प्रॉब्लम क्यों आता है। तो भाई आप डुओ वर्सेस सोलो बना देते हो, और लूट तो दोस्तों मेरी कुछ अभी तक खास हुई नहीं है, और अब हुई ना खास। M4 मिल गई, मेरी फेवरेट है दोस्तों। पहले मेरी फेवरेट थी AK-117, देन AK-47, एंड देन अब आया M4। तो हेल्थ भी पूरी हो गई और अब मैं लड़ने को तैयार हो गई। और भाई SMG में मेरी रजौर बैग सबसे फेवरेट है, और AR में मेरी फेवरेट है ICR। और पहला किल दोस्तों ICR की लंबी उम्र होगी भाई, गारंटी से, क्योंकि ICR का नाम लेते ही पहला लौंडा अपने को मिल चुका है। और ये देखिए इसको कहते हैं बोनस पार्टी। जी हाँ भाई, एक के साथ एक फ्री दिवाली ऑफर। तो कहीं आपको ऐसा ऑफर मिलेगा गाइस कि एक की लीजिए और एक फ्री भाई? ये अच्छे करते भाई कॉल ऑफ ड्यूटी, ये मुझे पसंद है यार, कि फटाफट आप बस किल पे किल दिलवाओ यार, ये मुझे ज़्यादा बेटर है। और सोलो वर्सेस डुओ दोस्तों मुझे अच्छा नहीं लगता है, ख़राब लगता है। और आइए कोशिश करते हैं यहाँ से एक दो और किल निकालने को, और दो किल ही हुए हैं अभी तक। और ये हेल्थ पता नहीं कैसे डाउन हो जा रही मेरी, तो कोशिश करते हैं दोस्तों। अभी तक अपने पास असला बारूद भी भरपूर मात्रा में नहीं है, तो कोशिश करते हैं लूटने को। और आप इसी तरह दोस्तों गेम में बने रहिए, वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है गाइस, मतलब आपको वीडियो कैसा लग रही है, वीडियो में कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट कीजिए, किल कम है तो कमेंट कीजिए, मतलब कमेंट कीजिए भाई, कुछ तो कमेंट कीजिए। और इतनी मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में, गेम को जीतने में काफ़ी मेहनत लगता है। और मुझे लगता है तीसरा किल, तीसरा विकेट गिरते हुए यहाँ से गिरा चुके हैं मेजर प्रधान, तीसरा विकेट, या यही कहे तीसरा रन लेते हुए। जी हाँ गाइस, तीसरा विकेट आ चुका है अपने खेमे में। और ये रही भाई अपनी मस्टैंग। जी हाँ, मैं तो इसको मस्टैंग बोलता हूँ भाई,
क्योंकि डू मतलब डबल सीट वाली है भाई, ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। और बस स्टैंड से तो हम काफ़ी आगे आ चुके हैं, यही कोई 10-12 किलोमीटर। और ये किल मिल जाए भाई, चौथा किल अपने को यहाँ से हो सकता मिल जाए, देखते कौन सा लौंडा है। और ये देखिए भाई दोस्तों, आपको याद होगा ये कैरेक्टर क्लैन वॉर में सबसे पहले आया था। जी हाँ, सबसे पहले मेरे ख्याल से क्लैन वॉर में आया था। और अभी इसका लेटेस्ट वाला कैरेक्टर का स्किन जो था वो इवेंट में आ चुका था। अगर आप लोगों ने नहीं परचेस किया दोस्तों तो अफसोस करने की बात नहीं, मैंने भी परचेस नहीं किया। और वो देखो जरा खुले में घूम रहे हैं, बताइए कोई डर ही नहीं है लौंडे को, बताओ भाई। पांचवा किल हमारे खेमे में आते हुए। तो गाइस कमेंट कीजिए यार, वीडियो को लाइक कीजिए, कहाँ पर बैठे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी की रियल वीडियोज आपको यहीं मिलेगी। और ये लौंडा भाई हमारे लिए फेवरेट चीज़ लाया है, काइनेटिक प्लेट। जी हाँ, काइनेटिक आर्मर आपको पता है दोस्तों इसकी कितनी बड़ी डिमांड है कॉल ऑफ ड्यूटी में, और काफ़ी सारे लौंडे पेले जाते हैं इसी काइनेटिक आर्मर के चक्कर में। और पहलने वाले हम होते हैं दोस्तों, हमारे जैसे आप होते हैं, जो वीडियो को लाइक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रीच देते हैं, और हमें अच्छा लगता है भाई। और आइए ड्रॉप में मैं अपने पहले डायमंड निकालते हैं। जी हाँ गाइस, डायमंड ICR-1 मेरे फेवरेट थे दोस्तों, और डायमंड मिला ICR-1 का। और देखते हैं यहाँ कोई मुर्गा फंसता है या नहीं फंसता है। सबसे मेन चीज़ ये है दोस्तों, मुर्गा फंसाना, क्योंकि भाई जितने ज़्यादा आपके पास मुर्गे उतना मस्त चिकन डिनर। और लगता है कोई आएगा नहीं मेरे ख्याल से, कोशिश करते हैं। और अब चलते हैं भाई, बहुत कोशिश कर ली हमने। आ गया, फंस गई मछली जाल में, फंस गई गाइस। पक्का कोई तो है यहाँ पर, कोई तो आया ड्रॉप लूटने। और भैया यहाँ से ख़त्म। यह देखो भाई क्या तगड़ा कैरेक्टर भाई, वाह प्राउड फील हो जाता है भाई, ऐसे लौंडे लपेट के ना प्राउड फील होता है कि चलो भाई। और हमारे खेमे में दोस्तों छठा किल, और ये जनाब अकेले आए थे, अपने टीममेट को लेके नहीं आए थे, और शायद इनका भी लगता है डू वर्सेस सोलो बना दिया भाई कॉल ऑफ ड्यूटी ने, और हमने इनको सोलो से भी छुट्टी दे दी। और आइए ड्रॉप लूटने चलते हैं गाइस। और ये ड्रॉप काफ़ी ख़तरनाक जोन में है, मतलब तो फार्म के एरिया में गिरा है भाई ये ड्रॉप। और भाई यहाँ मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, मतलब फार्म मुझे सबसे ख़राब एरिया लगता है। जी हाँ, अब वीडियो डिसलाइक मत कर देना भाई, मतलब खेलने के हिसाब से ख़राब एरिया लगता है। चला जितने बार भी आया हूँ यहाँ पर सब हर बार ही मारा गया हूँ। और मेरे दोस्त मुझे सब गाली देने लग जाते, बताइए कोई जति नहीं है साला। फार्म भाई मुझे बहुत ख़राब लगता है यार, इधर से पहले निकलते हैं गाइस, कोई आ नहीं रहा है लौंडा लपाटिया, पहले निकलते हैं। तो चलिए गाड़ी में मैंने डाल दिया अपना दूसरा गियर, मतलब ये ऑटोमेटिक है भाई, इसमें गियर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ऑटोमेटिक है और अच्छा है भाई। मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी में ऑटोमेटिक गाड़ियाँ अच्छी हैं, बहुत अच्छी है। और आइए एक और ड्रॉप लूटते हैं पहले, अपना पुश्तैनी ड्रॉप, जिसको हम कह सकते हैं दोस्तों कस्टमाइज गन्स वाले। मतलब गाइस इसमें से मैं निकालूंगा अपनी रिजॉर बैग गोल्डन, इसका भी दोस्तों डायमंड पे काम चल रहा है। और आइए यहाँ से निकलते हैं पहले, ड्रॉप तो लूट लिया, लगता नहीं कोई यहाँ भी आएगा, तो आजा भैया निकलते हैं। मतलब यार अच्छा नहीं लगता, एक तरफ डायमंड एक तरफ गोल्ड, गोल्ड डायमंड पे काम चल रहा है गाइस रिजॉर बैग का, बहुत जल्दी आपको डायमंड भी दिखाऊंगा मैं इसका। जी हाँ, रिजॉर बैग का डायमंड जरूर दिखाऊंगा, और फिर भाई कंधे के पीछे दो दो डायमंड, मज़ा आ जाएगा गाइस, और बहुत जल्दी ये मज़ा मैं आपको दिलाऊंगा। और आइए भाई यहाँ पे निकलते हैं। और कहते हैं ना भाई, जो किस्मत में लिखा होता है इंसान को वही काटना पड़ता। वापिस फार्म आ गए और लौंडे आ गए, यह देखो, वाह शाबाश बेटा, गुड, मज़ा आ गया, ख़त्म ही कर देता
साले मुझे कौन सी गन चला रहा था बे, इसको मार दे, इसका तो गेम बजाना पड़ेगा। चलिए गाइस, और ये देखिए, इसको कहते हैं कि जले पे नमक छिड़कना। जी हाँ, सब देखा, अभी तक हेल्थ भी पूरा नहीं किया था गाइस, और इसने इतना अवतार ले लिया मुझे मारने के लिए। पर एक चीज़ अच्छा किया था, ये मेरे लिए चिप क्लास लाया था। थैंक यू गाइस, थैंक यू माय फ्रेंड, अगर तुम ये मैच देख रहे हो हमारा, तो तुमने हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ें लाई, बहुत अच्छी चीज़ है। और देखते हैं दोस्तों, 10 लौंडे और बच गए हैं, जिसमें कि 10वें नंबर पे हम हैं और 9 लौंडे बचे हैं। और देखते हैं, और भाई ये क्या भाई, ये गलत है भाई, ये चीटिंग है गाइस। अगर आप रिवाइंड करके देखेंगे तो ये बंदा अचानक से आया भाई, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, ये बंदा अचानक से आ गया यार, क्या चल रहा भाई कॉल ऑफ ड्यूटी वालों। नहीं क्या करूँ, मर जाऊँ मैं, खेलूँ नहीं मैं, हैं गाइस, कॉन्फिडेंस आ जाता है। मतलब ऐसे लौंडे लपेटो ना तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, मतलब जिगर कहते हैं ना 56 इंच का सीना। और ये लीजिए 10वां किल, अब जोड़ लीजिए दोस्तों, 56 और 10 कितने होते हैं भाई, 66 इंच का सीना हो जाता है दोस्त, 66 इंच का सीना। और आइए काइनेटिक आर्मर भर लेते भाई, इसका बहुत बड़ा योगदान है गाइस आपको जिंदा रखने में, मतलब ये वेंटिलेटर है आपके लिए कॉल ऑफ ड्यूटी में, कुछ ज़्यादा बोलती है मेरे ख्याल। और आइए जीतने की और एक कदम बढ़ाते हैं, एक कदम जीतने की। 4 बंदे बच गए हैं, 3 लौंडे, 2 डुओ होंगे और 1 सोलो। और देखते हैं भाई कैसा पाला पड़ता है इन लौंडों से, क्योंकि चौथे तो हम हैं दोस्त। और वो देखो सुमड़ी से भाग रहा है ससुरा, बताइए। और इसको लपेटते हैं गाइस, क्योंकि इसको अगर हम नहीं मारेंगे ना तो ये साला हमें मार देगा, कहीं छुप गया जाके मुझे लग रहा है। निकल डेम्प्टी, निकल बाहर निकल, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता बेड़ू। और ये देखो, चलिए चलिए चलिए, यहाँ से एक और लौंडा हमारे जाल में फंसते हुए, और अब 2 बच्चे हैं। साले एक पाप की औलाद है ना, बाहर निकल जा, ऑल पे करके बोल लिया हूँ मैं, इफ़ यू आर अ चाइल्ड ऑफ वन फादर देन कम आउट। वो देखो, वाह शाबाश मुन्ना शाबाश, क्या चला रहे हो भाई। जरा ये देखते बंदा कि बंदे के पास गन कौन सी है भाई, थोड़ा इसको ट्रोल करते गाइस, थोड़ा सा बाहर जाएंगे। और ये देखो कुत्ते, कुत्ता फेंकता है, बताओ कुत्ता दिखाता है, कुत्ता दिखाता है। अब गाइस आगे नहीं बोलूँगा, गंगा जल आप याद कर लो, गंगा जल की वो आँख दिखाता है, वही दोस्तों वही कुत्ता दिखाता है आके। और चलिए यहाँ से निकलते हैं पहले, नहीं तो ये साला हमको मार ही डालेगा। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, ये देखो गायब हो गया, छूम अंतर काली अंतर, बस मैच जिता दे जंतर। और ये देखो चमा इला, मतलब मेरे होलोग्राफिक को बंदा समझ के सोच रहा है कि मैच जीत जाऊंगा। और गाइस निकलते हैं पहले यहाँ से, और मुझे लगता नहीं कि निकलने देगा। यह देखिए जिस चीज़ का डर था गाइस वही इसने कर दिया, और अब इसने अपना लोकेशन हमको ईमेल कर दिया। और आइए अब इसके ईमेल का दोस्तों हम जवाब देते हैं, ले स्मोक, एक और स्मोक, एक और स्मोक, 3 स्मोक, अब मार ना। और अब दोस्तों मुझे टाइम मिला है अपना स्पिन फेंकने का, अब दोस्तों मैं स्पिन फेंकूंगा, देखिएगा यॉर्कर नहीं फेंकूंगा इसको, जीत गए। और इसी को कहते गाइस किस्मत भूनी का साथ देती है, जो जो दोस्तों
जो किस्मत से समझौता नहीं करते गाइस, मेहनत करते हैं और मेहनत का रंग जरूर लाता है। 12 किल के साथ रंग लाया है मेरा मेहनत। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिए और ज़रूर कमेंट कीजिए कि हमारी कमेंट्री किस लेवल की है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। और बहुत जल्दी हम अपना फेस रिवील भी करेंगे। जी हाँ गाइस, बहुत ज़्यादा आप लोग कमेंट करते हैं कि फेस रिवील करो ब्रो। तो 12 किल तो हो चुका है पर अभी फेस रिवील नहीं है गाइस। फेस रिवील बहुत जल्दी करेंगे और उसका काम चल रहा है, जोरों शोरों से चल रहा है। तो चलिए हम मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और वीडियो पसंद आई दोस्तों वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।